लाके इश्क़ मोहब्बत की बुनियाद पर 2004 में भी मैदान में उतरी थी, 2009 में भी मैदान में उतरी थी, 2011 में भी मैदान में उतरी थी, और आज 2019 में ये वही ताकत है, उन्हीं खैरतमंद अकाबिरीन का तसलसल है जिन्होंने 74 में खत्मे नबुव्वत के अकीदे पर असेंबली में पैरा दिया था। आज वही क्यादत है जो 2019 में भी खत्मे नबुव्वत के अकीदे पर पैरा दे रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम और आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत, याद रखिए, अगर आपकी आंखें मेरे इस इशारे को देख रही हो, ये ठाठे मारता इंसानों के सरों का समंदर ताहद्दे निगाह मुसलमान इस पैगंबर की खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए इस इज्तिमा में जमा है। याद रखिए, जमीयत उलमाए इस्लाम और आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत एक ही तस्वीर के दो रुख है। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत हमारा खालिसतन मजहबी विंग है, जमीयत उलमाए इस्लाम खालिसतन हमारा मजहबी और सियासी विंग है। आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत ग्राउंड में मेहनत करती है, जमीयत उलमाए इस्लाम असेंबली के फ्लोर पर मेहनत करती है, सेनेट पर मेहनत करती है। आलमी मजलिस और जमीयत उलमाए इस्लाम पहले भी एक साथ थे, आज भी एक साथ है, और इंशाल्लाह इस मुल्क की धरती पर अल्लाह के कानून को राइज करने के लिए, नबी की इज्जत के दिफा के लिए कल भी एक थे, आज भी एक है, और आइंदा भी अपने अकाबिर के एतमाद पर चलते हुए इस मैदान में आपको इकट्ठे नजर आएंगे। क्या ख्याल है, मैं और आप अपनी इन दोनों जमातों के दस्तों बाजू बनेंगे? हाथ उठा के नबी की इज्जत के दिफा के लिए अपने आप को पेश कीजिए। जमीयत उलमाए इस्लाम और आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत पाकिस्तान के दस्तों बाजू बनके मौलाना फजलुर रहमान की क्यादत को इस मुल्क को मिल्लत पर राइज करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम अपने इरादों को पहले से ज्यादा मजबूत और पुख्ता पाते हैं, और आइंदा भी इसी प्लेटफार्म से, आलमी मजलिस के प्लेटफार्म से खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ की सदा लगती रहेगी। अल्लाह इस गुलशन को आबाद और शादाब रखे। व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मैं एक मरतबा फिर दावत दे रहा हूं इनकलाबी नजम के लिए मोहतरम रफीक अमन रफीक दानिश साहब को, वो आए और नजम पेश करें। मोहतरम रफीक दानिश साहब। कायदे जमीयत के हवाले से एक दो अशआर पेश करता हूँ। मुल्क मिल्लत के लिए जो अमन का पैगाम है, परचम नबी को फिजा में लहरा कर। मुल्क मिल्लत के लिए जो अमन का पैगाम है, मुल्क मिल्लत के लिए जो अमन का पैगाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। कुफर को बेआबरू करना भी जिसका काम है,
कुफर को बेआबरू करना भी जिसका काम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। हर सोबत को भी दिन भर वो सदा सहते रहे, हर सोबत को भी दिन भर वो सदा सहते रहे, वो सदा सहते रहे। सर बसजदा और मुसल्ले पे गुजरती शाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। आँच भी आने न दे खत्मे नबुवत पे कभी, आँच भी आने न दे खत्मे नबुवत पे कभी, आँच भी आने न दे खत्मे नबुवत पे कभी, खत्मे नबुवत पे कभी। कुफर के ऐवान में जिससे मचा कोहराम है, नारे तकबीर। हैदरी साहब स्टेज पे आया है, उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। जुर्रत ओ बहादुरी, जुर्रत ओ बहादुरी, सैफ़े सिकंदरी, मर्दे कलंदरी, जुर्रत ओ बहादुरी, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। आँच भी आने न दे खत्मे नबुवत पे कभी, खत्मे नबुवत पे कभी। कुफर के ऐवान में जिससे मचा कोहराम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। मुल्क मिल्लत के लिए जो अमन का पैगाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। लश्कर फिरौन हो या अबरहा का काफिला, या अबरहा का काफिला, लश्कर फिरौन हो या अबरहा का काफिला, या अबरहा का काफिला, नाम से इसके हमेशा लर्ज बरंदाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। कुफर को बेआबरू करना भी जिसका काम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। जो किसी ताहूत के आगे कभी झुकते नहीं, सुभान अल्लाह, जो किसी ताहूत के आगे कभी झुकते नहीं, जो किसी ताहूत के आगे कभी झुकते नहीं, आगे कभी झुकते नहीं, उस मुजाहिद बेखतर का फजलुर रहमान नाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है। इस क़ियादत पे मुझे शब्बीर साक़िब नाज़ है, इस क़ियादत पे मुझे शब्बीर साक़िब नाज़ है, इस क़ियादत पे मुझे शब्बीर साक़िब नाज़ है, शब्बीर साक़िब नाज़ है। ये क़ियादत बिल यकी रब का बड़ा इनाम है, कायदे इस्लाम है वो, कायदे इस्लाम है, कायदे
इस्लाम है, वो कायदे इस्लाम है, मुल्क मिल्लत के लिए जो अमन का पैगाम है, कायदे इस्लाम है, वो कायदे इस्लाम है, कायदे इस्लाम है, वो कायदे इस्लाम है। माशाअल्लाह, इसी नज़म के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाए और उनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलोचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, बलोचिस्तान के सूबाई असेंबली में कायद हिज्ब इख्तलाफ हजरत मलक सिकंदर साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं हैदरी साहब के क्यादत में बलोचिस्तान सूबे से आए हुए वफद को दिल के गहराइयों से खुशामदेद कहता हूं। और पहले भी मैंने दरख्वास्त की थी, ये जो सामने साथी खड़े हैं, आपकी वजह से पूरा पिंडाल डिस्टर्ब हो रहा है, जहां जगह है वहीं बैठ जाएं, अगर जगह नहीं है तो सामने से हटकर साइडों पर चले जाएं, क्योंकि आपकी वजह से साथी कुर्सियों पर खड़े हैं, आखिर तक पूरा पिंडाल ये सामने एक सफ की वजह से डिस्टर्ब है। तवा जेका सामो दोस्त बीठल रहो या वेही रहो या साइड इन ते हलिया वनो। अब तांके सिंधी समझ में इंडिया के बी बोली के टंडे गुलामली में गालाइंदा आयो। हिम्मत कयो, ही बिल्कुल सामो स्टेज है, कोई भी साथी बीठल नजर ना अचे। बैठल साथी बां का वठी इन के विहारियो या साइड ते मोकले छरियो। मुझे एहसास है कि पिंडाल में तिल धरने की जगह नहीं है। अभी कुछ देर कबल ही इस मिलियन मार्च का आगाज हुआ है और शायद ये पहला इज्तमा था कि तिलावत कलाम पाक से पहले इस पिंडाल में तिल धरने की जगह नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आलमी मजलिस तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत के मरकजी अमीर हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकात हम आलिया। अब ही साथी वेही रहो, मेहरबानी करे तमाम जे करे लखन जो मजमू डिस्टर्ब थी रहे, चंद साथी जे करे हिम्मत कयो वेही रहो, मेहरबानी करे। जेकरे दरमियान में इते विहण जी जगह ना है, साइड इन ते निकरी वनो, साइड इन ते दरमियान मुकम्मल खाली छड़ियो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अल्लाहुम सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली कदालिक अला जमीअल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदरे गिरामी, कायदीन मोहतरम, सामीन बरादरान इस्लाम, आज कल हमारे मुल्क के अजीज में बड़ी शद्दोमद के साथ एक मसला जेर बहस है और वो आसिया मसीह की रिहाई का। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आसिया मसीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवंबर 2018 में आया है, जबकि इस फैसले से तकरीबन 10 महीने पहले वाशिंगटन के एक मारूफ
बैन अल-अक़वामी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की 22 जनवरी 2018 में वो इंटरव्यू शाये हुआ चौकटे की शक्ल में। आप सब हजरात जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जिन दोस्तों के पास टच मोबाइल फोन है वो सर्च करें तो उनको उस बिजनेस रिकॉर्डर 22 जनवरी 2018 की ये खबर आसानी के साथ मिल जाएगी कि उस वक्त से ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ क्या तय करके आए हैं, तो उस यूरोपीय यूनियन के वफद ने कहा कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट पर वाज़े किया है कि आइंदा पाकिस्तान की इमदाद आसिया मसीह की रिहाई के साथ मशरूत होगी। मेरे भाइयों, ये जो इसके 10 महीने बाद फैसला आया है ये खालिसतन बैरूनी दबाव के नतीजे में आया है, ये कोई अदालती फैसला नहीं है। अदालत ने अदालत में अपने हाथों के साथ इंसाफ का कत्ल किया है। इन जालिमों से कोई पूछे कि तुम फैसला तो कर रहे हो नवंबर में जबकि तुम इसका सौदा कर चुके थे जनवरी के अंदर। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ पूरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झूठ बोलकर पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया जा रहा है। आज हमारी गवर्नमेंट सराहतन पेट भर कर झूठ बोल रही है कि ये फैसला अदालत का फैसला है। माफ रखना, ये फैसला कोई अदालत का फैसला नहीं। जजों ने बहाना किया कि उसमें जो गवाह थे उन गवाहों के बयान के अंदर तजाद है। मैं कहता हूँ उन गवाहों के बयान के अंदर कोई तजाद नहीं, फैसला करने वालों के दिमागों के अंदर फसाद है। ये झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि ये कहा गया कि गवाहों ने कहा, एक गवाह ने कहा कि वो पंचायत के आदमी 15 थे, एक ने कहा 100 थे, दूसरे ने कहा बहुत सारे, तो उन्होंने कहा कि ये बयानों में तजाद हो गया। बरादराने इस्लाम, हालांकि वाकया ये है कि जिसने कहा 15 थे वो खातून है, उस खातून का बयान एक कमरे के अंदर लिया गया, उस कमरे में वाकई 15 आदमी थे। जिस आदमी ने कहा कि 100 पंचायत के आदमी थे वो आदमी है जो इन 15 आदमियों के बाहर उसी मकान के सहन के अंदर इंतजार कर रहे थे, उसने सहन की गवाही दी। सहन में वाकयतन पंचायत के लोग 100 थे। जिसने कहा कि बहुत सारे, वो उसने बात की है चौक की जहां पर पूरी कौम जमा थी, पूरा गांव जमा था। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मे कई काम लिए, डेम के चंदे के, इन्होंने अस्पतालों की निगरानी के। मैं उनसे कहता हूँ काश कुदरत तुम्हें मौका देती कि आप लोग वहाँ पर जाकर तफ्तीश करते। मैं वहाँ पर गया हूँ, उस गांव के अंदर गया हूँ। बरादराने इस्लाम, मैं खुदा लगती आप हजरात के सामने अर्ज करता हूँ कि पूरा एक गांव नहीं, पूरा इलाका, पूरा मौजा, 7 गांव इस पर गवाह है। एक आदमी भी इनकार नहीं करता कि इस आसिया मसीह ने एहानत पैगंबर का इर्तकाब किया था। मेरे भाइयों, खुद उस आसिया मसीह ने भी ये तस्लीम किया पंचायत के सामने कि मैंने ये जुर्म किया है, उसका इकबाल जुर्म है। मेरे भाइयों, थाने के अंदर उसने अपने जुर्म का इकबाल किया, एसपी की इंक्वायरी में उसने अपने जुर्म का इंतकाल किया, अपने जुर्म का इकबाल किया सेशन जज के सामने। जिस दिन सेशन जज ने केस की समाअत मुकम्मल की उस दिन तमाम तर जो वकला थे जरा के या इस्तगासे के, उन सब को ये सफाई के, उन सब को बाहर निकाल दिया। अकेली खातून और वो जज साहब थे। जज साहब ने उसको कहा कि बीबी अगर तुम दबाव का शिकार हो अभी एक दफा मेरे सामने इनकार कर दो, मैं तुम्हें बरी कर दूंगा। उसने वहाँ उनके सामने भी तस्लीम किया कि नहीं, मुझसे ये गलती तो हुई है लेकिन आप मुझे माफ कर दें। उसने कहा अगर गलती की है तुमने
पैगंबर इस्लाम की एहानत की तो मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला। इस इकबाल जुर्म के बाद अब वो अदालत के अंदर अपने जुर्म का इकबाल करती है, एसपी के सामने अपने जुर्म का इकबाल करती है, थाने के सामने अपने जुर्म का इकबाल करती है। मेरे भाइयों, वो पूरी पंचायत के सामने अपने जुर्म को अलल ऐलान तस्लीम करती है। पूरा इलाका गवाही देता है कि इसने गुस्ताखी का इर्तकाब किया। झूठ बोलता है सुप्रीम कोर्ट, धोखा देता है पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखकर झूठ बोलकर इनको गुमराह किया जा रहा है कि ये अदालत का फैसला है। कोई अदालत का फैसला नहीं। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, उन्होंने उस फैसले में एक नुक्ता ये उठाया कि 25 औरतें थी जिनके सामने उसने ये कलमात कहे, दो औरतों ने गवाही दी, बाकी औरतों की गवाही मौजूद नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछे, क्यों जानबूझकर तुमने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने अपनी आकबत तबाह करते हुए झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। उन 23 में से 23 औरतों में से जब तुमने किसी को बुलाया नहीं, कोई गवाह नहीं था, तो वो क्यों आती तुम्हारे पास? हाँ, अगर ये वाकया नहीं हुआ था तो इस आसिया मसीह का फर्ज बनता था कि उन 23 औरतों में से किसी एक औरत को अपना पेश करती अपनी सफाई में, वो एक भी पेश नहीं कर सकी। गर्जे के वाकया के जिस भी हिस्से को लिया जाए, ये जुर्म साबित था। और फिर हमारे पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के दो सीनियर जज साहबान ने इस सजा की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी दबाव पर आकर, हुक्मरानों ने बैरूनी दबाव में आकर ये इस्लाम के खिलाफ फैसला दिया। मेरे भाइयों, आज की मजलिस में जमीयत उलमा इस्लाम की मेजबानी में इतने बड़े इत्तमा के सामने मैं आप दोस्तों की खिदमत में खुदा लगती अपनी कबर को सामने रखकर कहता हूँ कि इन लोगों से कोई पूछे कि बंदगाने खुदा, तुम इतना इसलिए कि जिस इन लोगों को हमीयत और गैरत नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं, अगर हमीयत होती ये डूब कर मर जाना चाहिए था। इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन हाईलैंड का वो मिंबर है जिसने ये कहा था कि मैं मोहम्मद अरबी के खाके बनवाकर उनका माजल्ला मुकाबला करवाऊंगा। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सबसे पहले उस सबसे बड़े गुस्ताख कायनात के सबसे बड़े गुस्ताख रसूल ने इस फैसले का खैर मकदम किया। मगरबी यूनियन, मगरबी एनजीओ सारे मिलकर इस फैसले की तहसीन कर रहे हैं। पूरा आलम इस्लाम इसके ऊपर रो रहा है। जो फैसला कुफर की खुशी का बायस हो, जो फैसला मुसलमानों में रोने का माहौल पैदा कर दे, हम उस फैसले को कैसे इस्लामी फैसला तस्लीम करें? मेरे भाइयों, ये खालिसतन बोझ के ऊपर, इनाद के ऊपर, और ये फैसला खालिसतन बदध्यानती के ऊपर, झूठ के ऊपर मबनी फैसला है। मेरे भाइयों, एक फैसले की बात थी, हम चुप कर जाते, लेकिन क्या करें, उनके इरादे सिर्फ इतने नहीं। जिन कुव्वतों ने ये कहा कि आसिया मसीह को रिहा किया जाए, उन लोगों का ये भी मुतालबा है कि पाकिस्तान में मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के कानून को खत्म किया जाए। उन लोगों का मुतालबा ये भी है, मगरबी एनजीओ का, यूरोपीय यूनियन का, अक्वाम मुत्तहदा का, फ्रांस और अमेरिका का, उनका मुतालबा हमारी गवर्नमेंट से ये भी है कि पाकिस्तान में तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत का कानून खत्म किया जाए। मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के मुतालिक पाकिस्तान में जो कानून साजी हो चुकी है, इसे कल अदम करार दिया जाए। इन हालात और वाकयात में आप हजरात की दीनी क्यादत के सामने सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं था कि हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते। अल्लाह जजाए खैर दे जमीयत उलमाए इस्लाम के कायदे मोहतरम, हमारे मखदूम और मखदूम ज्यादा हजरत मौलाना फजलुर रहमान, उनके ग्रामी कदर रुफका को, कि उन्होंने तन तनहा मैदान अमल के अंदर कदम रखा,
और इस जुरत के साथ मेरे भाइयों सबसे पहले कराची में, कराची के बाद लाहौर में, लाहौर के बाद अपना क्या कहते हैं उसको सक्कर में, सक्कर के बाद मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ के बाद डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान के बाद मर्दान, आज आपके यहाँ है। चार दिन के बाद इंशाल्लाह डेरा मुराद जमाली में इसी तरह का मिलियन मार्च है, और उसके बाद फिर 31 मार्च को इंशाल्लाह सरगोधा जो पंजाब के शहीनों का शहर है वहां पर इस इज्तमा का ऐलान किया गया है। आप हजरात देखेंगे कि ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान के नारा हक बुलंद करने पर, उनकी ललकार पर ये जो तहरीक चली थी, इंशाल्लाह इसे हम मंजिल पे पहुंचाए बगैर कभी खत्म नहीं करेंगे। ये काफला आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, ना झुकेगा ना रुकेगा, ना इसमें रुकावट आएगी किसी किस्म की, ना इसके अंदर कोई झोल आएगा। बहादुरी और जुरत के साथ आप सब दोस्त जाए तो ये पैगाम लेकर जाए कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा वो हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दे के हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज़ किया। इसी पर माशाल्लाह, ये थे हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामद बरकातुम अलालिया। शिकायत आ रही है कि लाउड स्पीकर का आवाज दुरुस्त नहीं है, जरा इस आवाज को बढ़ा दें और पीछे एक दो बंदे भेज दें रोड तक जो आवाज को चेक कर सकें, आवाज को खोलें भी और आवाज को बढ़ाएं भी, और रोड तक जरा अपने नुमाइंदे भेजकर आवाज को चेक करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि एक शिकायत मिल रही है कि कैंटीन में जो यहां कैंटीने लगाई गई हैं वहां अपनी मर्जी के नरख लिए जा रहे हैं, महंगे दामों पर अशिया बेची जा रही हैं, एक रेट मुकरर किया जा चुका है इंतजामिया के साथ, उस रेट से ऊपर जो कैंटीन वाला अगर रेट ले रहा है तो हम उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैं अंसारुल इस्लाम के मरकजी और सूबाई सलार की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो कैंटीन की तरफ चले जाएं और नरखों का जायजा लें, अवाम से भी पूछें जो अगर महंगे दामों पर कोई कैंटीन चला रहा है तो उस कैंटीन को फौरी तौर पर बंद किया जाए। अलबत्ता जमात की तरफ से भी एक कैंटीन कायम की गई है, वहां पर इंतहाई सस्ते दामों में खाने की अशिया आपको फराहम की जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कैंटीन वाले हमारे आने वाले मेहमानों का ख्याल रखेंगे। स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के मशहूर नात खान, मेरे भाई हाफिज मुनीर अहमद खान साहब। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आपको गरमाएं, आपको गरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मेरे भाई जनाब हाफिज मुनीर अहमद खान साहब। झंडे लहराकर तकबीर के नारों से अपनी क्यादत को बतलाएं कि ये तो टंडो गुलाम अली का मैदान है, आपने इस्लामाबाद बुलाया तो हम यहां से घर नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचकर इस हुकूमत के ताज और तख्त को मट्टी में मिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साउंड वाले से दरख्वास्त करूंगा कि नजम के हवाले से साउंड को चलाएं, और मुझे यकीन है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन आपने अपनी जोश व खरोश को ख़त्म नहीं करना है। और मैं इमरान खान को कुछ बताना चाहता हूँ, शायर लिखता है और ये अशार मेरे प्यारे हजरत अमीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं। मैं उनसे इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। जो जो उसका गुलाम नहीं, हाथों को फिजा में लहरा कर, और साउंड वाले आवाज सही कर दो भाई, ये नजम के लिए जो साउंड चलता है उस तरतीब से साउंड चलाओ, डीले खोलो।
के मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। ओ हक नहीं उसे हुकूमत का, हक नहीं उसे हुकूमत का, हक नहीं उसे हुकूमत का। जिसके साथ आवाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। जो जो उसका गुलाम नहीं, झंडों को अपने हाथों को झंडा बनाकर फिजा में लहराओ। ओ मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। पहले तख्त नशीनों का, पहले तख्त नशीनों का, पहले तख्त नशीनों का। याद तुझे अंजाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। ये साउंड वाला तो साउंड सही नहीं कर रहा भाई, लेकिन जब ये शेर खत्म हो तो आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। आपने हाथ उठाकर अल्लाह के नाम को बुलंद करना है कि मैं सच बयान कर रहा हूँ, झूठ नहीं। मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। नारे तकबीर यहूदियों का जयार है, यहूदियों जी लानते। मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। इस नज़म का बेहतरीन शेर, हाथ उठाकर अल्लाह के नाम को बुलंद करना है कि लब पर है इस्लाम इस्लाम, लब पर है इस्लाम इस्लाम, लब पर है इस्लाम इस्लाम। दिल में मगर इस्लाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। दिल में मगर इस्लाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। मन मर्जी पर जिद करना, मन मर्जी पर जिद करना, मन मर्जी पर जिद करना। दानाओं का काम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। दानाओं का काम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। शायद तू ये समझा है, शायद तू ये समझा है, शायद तू ये समझा है। तेरी सहर की शाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। तेरी सहर की शाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब स्टेज पे आए हैं, साईं का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब कल्बी मुफ्ती जिंदा था, कल्बी मुफ्ती जिंदा था। मौलाना अमजद खान साहब, भाई ये स्पीकर आपका ठीक नहीं है, स्पीकर को ठीक करें। ये लाउड स्पीकर वाले साथी को फैसल भाई, स्पीकर को ठीक करें भाई। पोते आवाज कैसी तई अचे तो जरा हथ खड़ो तुम्हारी सा पोया, बिल्कुल रोड वारा रोड तई आवाज अचे तो बिल्कुल आखिर में पिंडाल जे आखिरी हिस्से में जैसे ही मुझे आवाज अचे तो हथ खड़ो तुम्हारी सा। मेहरबानी करके इस लाउड स्पीकर को ठीक करें जी, और आवाज को खोलें, आवाज को उठाएं।
बिल्कुल आवाज आपकी धीमी धीमी है। मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। सदा रहा है किसका राज, सदा रहा है किसका राज, सदा रहा है किसका राज। किसी को यहाँ दबा में नहीं, किसी को यहाँ दबा में नहीं। जुल्म करा जब गिलानी, जुल्म करा जब गिलानी, जुल्म करा जब गिलानी। सुबह नहीं या शाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। जो जो इमरान खान का गुलाम नहीं, वो खड़ा होके हाथों को फिजा में लहरा के मुल्क ये तेरे नाम नहीं, हम कोई तेरे गुलाम नहीं। इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर है फैसी आजादी पर ये मुल्क ये लश्कर कुछ भी नहीं। दस्तूर भी है, मंशूर भी है, तामीर भी है, मामूर भी है, कुरान में पिनहा सब कुछ है, कुरान के बाहर कुछ भी नहीं। ये डाइस के दाएं तरफ सजे हथ जे तरफ जेको एरिया है, यो मरकजी है, सूबाई की आदत दिला है। मेहरबानी करे जिले अहदेदारान बेन मुअज्ज़िज़ मेहमान की गुजारिश है तो मरकजी ए सूबाई की आदत के लिए इन स्टेज के डाइस के सजे पासे का एरिया के खाली छदन, ताकि मरकजी ए सूबाई की आदत इतने जो है वे वेही सकन आराम से। हाँ दावत खिताब दूँ था दरगाह हाले जवी ज चश्मो चराग फर्जंदे हाले जवी हजरत मौलाना मुफ्ती मामन ताहिर साहब के पान अचन खिताब कण फरमायन। हजरत मौलाना मुफ्ती मामन ताहिर साहब। इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين। برادران اسلام تحفظ ختم نبوت ملین مارج ٹنڈو غلام علی میں اسٹیج تے بیٹھل جمعیت علماء اسلام جی قیادت مرکزی صوبائی علماء اکرام پنڈال میں بیٹھل जमीयत उलमा इस्लाम जा सरफरोश जानबाज कारकुनो तमा सा अज पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अकीदत मोहब्बत में हजरत कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर्रहमान साहब जे हुकमत लबैक चई पहेजे इलाकन गिरदो नवाह के छडे तमा टंडो गुलाम अली जी धरती के तहफ़ुज़े नामूसे रिसाले जे मिलन मार्च में हाजिरी जो शरफ़ अची बख्शो आहे। अल्लाह करीम तव्हां असांजी इन हाज़िरी खे बारगाहे अज़दी में क़बूल फ़रमाए। बिरादरान इस्लाम दुनिया जे अंदर रिश्ता आहिनि, कॾहिं हिकिड़ो इंसान पीउ हूंदो आहे त उनखे औलाद हूंदी आहे, के इंसान क़ौमुनि जा लीडर हूंदा आहिनि लेकिन उन्हनि खे पंहिंजा कारकुन हूंदा आहिनि। लेकिन उम्मत मुहम्मदीअ उम्मत मुस्लिम उहा उम्मत आहे जंहिंखे पंहिंजे पैगंबर करीम सलाहु सलम सां दीन ऐं इस्लाम सां उहा वालिहान अक़ीदत ऐं मुहबत आहे,
जै जो मिसाल दुनिया में ना है। मुसलमान भाईरो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अकीदत ए मोहब्बत तुझे मुझे ईमान ए फराइज में आ है। जेकडे तमा असा सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ते जिंदगी ते नजर रखंदासूं ता सहाबी सगोरा चाहे गरीब होजन या अमीर ए सरदार होजन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नामूस जी हिफाजत अव्वल पहजो फरीदो पिया समझन। जिथे गरीब सहाबी सगोरा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन्हीं नामूस जे मथा फिदा ए कुर्बान आहिन। गज़वे उहुद आहे हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी सगोरो जेको दुश्मन जे सामो जख्मी तो थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु अचन था ए ज़ियाद अल्लाह जा रसूल तो के याद पिया करन। हजरत ज़ियाद पथरेली उहुद जी जमीन ते बांबड़ा पाईंदे पाईंदे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में अचे तो। हजरत ज़ियाद आशिक रसूल साहबी जो जदह चेहरो अनवर महबूब मुस्तफ़ा के पेरन मुबारकन ते पहुंचे तो हजरत ज़ियाद जो रूह परवास तो थे। साहबी सगोरा मुबारकू दियन था। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वे उहुद में दुश्मन के सामू पैंजी पुठी दुश्मन के तरफ सीनो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरफ कर मैदान उहुद में बीहे तो। हजरत अबू दुजाना खां साहबी पुछन था ए अबू दुजाना दुश्मन के सामू बीहण जो यो अंदाज ना है। इंसान दुश्मन के सामू सीनो कंदो आ पुठी पोइत कंदो आ। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु तो फरमाए वक्त जा हुक्मरानो यहूदन जा एजेंटो कादियानियत ए मिर्ज़ाइयत के आज़ादी दींदर तमाम भी रस्मी कलमो भरियो आ तमाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा जे मदीने जी रियासत जूं दावाऊं पिया कयो। लेकिन हजरत अबू दुजाना खां उन्हीं यहूदन जा एजेंट इमरान मलऊन तू यो सबक सिख त हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु उहद जे मैदान में पुठी दुश्मन जे तरफ करे सहाबा इकराम के फरमाइण लगो जदे मां पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कलमो पढ़ियुम कलमे खां बाद पूरी अज ताईं जिंदगी महबूब मुस्तफ़ा के पुठी नाहे दिनी। अज अबू दुजाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जे नामूस में शहीद थींदो। अज अबू दुजाना पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तहफ़ुज़ में शहीद थींदो। अज अबू दुजाना जो जिस्म महबूब मुस्तफ़ा जे कदमन में अची पहुचंदो। ऐ अबू दुजाना तू कलमो इन का न पढ़ियो हो त तू मोहम्मद मुस्तफ़ा के पुठी ॾे। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु जे जिस्म के तीर लगन था सहाबीअ जी पुठी नेज़न सां परूण थी थे। हज़रत अबू दुजाना शहीद थो थे। मुसलमानो उम्मत मुस्लिम सां वाबस्तगी रखंदड़ मुख़्तलिफ़ क़ौम ऐं इलाक़ुनि ऐं नसलुनि जा मुसलमान हज़रत अबू दुजाना ग़ज़वे उहुद में तोखे मूंखे इहा तालीम ॾिनी त तूं आशिक़ रसूल तॾहिं आहीं तूं मुसलमान तॾहिं आहीं तुझी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां अकीदत ऐं मुहबत तॾहिं आहे जॾहिं तो में हज़रत अबू दुजाना वारी अकीदत ऐं मुहबत हुजे। ग़ज़वे तबूक जे अंदरि अल्लाह जो रसूल सफ़र थो करे सख़्तु गर्मीअ जी मौसम आहे। अॼु तव्हां असां टंडो ग़ुलाम अली जे अंदरि मिलिन मार्च में शरीक आहियूं। हर मुसलमान आशिक़ रसूल जी पेशानीअ तां पसीनो ऐं पघर थो हले। ग़ज़वे तबूक जे सफ़र में मोहम्मद मुस्तफ़ा लश्कर जा अमीर आहिनि। 30,000 सहाबा जो लश्कर आहे। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान सफ़र में आहिनि। हज़रत अबू ख़ैसमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी सगोरो आहे जंहिंजूं ॿ शादियूं आहिनि ब घर वारियूं आहिनि। हज़रत अबू ख़ैसमा खे रस्ते में ख़बर थी पए मोहम्मद मुस्तफ़ा ग़ज़वे तबूक जे सफ़र में आहिनि। इस्लाम जे बुलंदीअ जे लाइ सहाबा जो लश्कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सां शरीक आहे। हज़रत अबू ख़ैसम घोड़े खे ड्रोड़ाईंदो ड्रोड़ाईंदो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में आयो। अल्लाह जे रसूल पुछो अबू ख़ैसम ताख़ीर देर जे अचण जो सबब छाहे। सहाबी ख़िदमत में अर्ज़ु थो करे अल्लाह जा रसूल सफ़र में हुयुमि रस्ते में ख़बर पई मोहम्मद मुस्तफ़ा मैदान जिहाद में निकितल आहिनि ग़ज़वे तबूक में निकितल आहिनि वक़्त जे फिरौननि जे मुक़ाबले में निकितल आहिनि। सहाबा जी जमात अल्लाह जे रसूल सां गॾु आहे। अबू ख़ैसम दिली दिलि में अजीब अजीब गुफ़्तगू थो करे ऐं अबू ख़ैसम तूं कलमो इन खां न पढ़ियो हो त तूं घर में वेठो हुज मोहम्मद मुस्तफ़ा ततल उस में हुजनि। ऐं अबू ख़ैसम तूं कलमो इन खां न पढ़ियो हो त तूं घर जे आसाइशुनि में हुज तूं उन्हीअ दुनिया जे सहूलतुनि में हुज। अबू ख़ैसम अव्हां जी ख़िदमत में अची पहुतो आहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमायो ऐं अबू ख़ैसम
तोखे मुबारक होजे तू पहजे ईमान के बचायो तू शैतान जे असर का महफूज रखो अज पाकिस्तान जे धरती जे अंदर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी खत्म नबूवत यतीम है अज पाकिस्तान जी धरती जे अंदर उन्हीं मुसलमानन जे मुल्क जे अंदर जिथे 22 करोड़ मुस्लिम आबादी आहे लेकिन उन्हीं जे सामो उते उहो 73 जो आइन इस्लामी मुल्क ऐं जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान जे अंदर महबूब मुस्तफ़ा जे नामूस उहो गैर महफूज आहे इन जे करे मुसलमान तुझो मुझो फरीदो आहे अबू खैसम वांगुर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नामूस ऐं खत्म नबूवत जी हिफाजत कयूं अज जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामी खां वठी जमीयत उलमा इस्लाम जे कराची खां गिलगित ताईं जेके भी कारकुन आहिनि जेके भी ओहदेदार आहिनि चाहे खानकाहुन सां ताल्लुक रखनि चाहे दरसो तदरीस सां ताल्लुक रखनि चाहे खिताबत सां ताल्लुक रखनि चाहे मस्जिद जी इमामत सां ताल्लुक रखनि सभई मुहम्मद मुस्तफ़ा जे नामूस जा चौकीदार बणजी मैदान अमल में आयल आहिनि मुसलमानो उहो वक़्तु परे नाहे अल्लाह साईं हिन हीअ धरतीअ जे अंदर इस्लाम खे नाफ़िज़ कंदो अॼु टंडरो ग़ुलाम अली जे हिन इलाइक़े में असां वक़्त जे यहूदियुनि जे एजेंट खे बि पैगाम पहुचाइण आया आहियूं त ही रियासत मुहम्मद मुस्तफ़ा जे ग़ुलामनि जी रियासत आहे अॼु टंडरो ग़ुलाम अली जी धरतीअ जे उन्हीअ पाड़े सिरी वक़्त जे फिरौन हिंदू धोती बदल खे उन्हीअ इंडिया खे बि ॿुधाइण आया आहियूं त जिथे जमीयत उलमा इस्लाम जा कारकुन मुहम्मद मुस्तफ़ा जे नामूस जा मुहाफ़िज़ आहिनि उते जमीयत उलमा इस्लाम जा कारकुन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जे धरतीअ जी हिफ़ाज़त कंदे उन्हीअ पाकिस्तान जी रियासत जे तहफ़ुज़ जे मथां पंहिंजी जान बि क़ुर्बान करण खां सआदत पई समझे अल्लाह करीम तव्हां असांजे हाज़िरी खे शर्फ़े क़बूलियत अता फ़रमाए वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन हाणे नज़म जे लाइ दावत ॾियूं था मेहरान माथरीअ जे हिकु ॿिए मशहूर नात ख़ान कंदकोट खां कही आयल मोहतरम मुजीब रहमान ओगाही खे पाण अचनि ऐं अव्हां जे साम्हूं नज़म पेश कनि हक जो अॼु ऐलान थियो हक जो अॼु ऐलान थियो मौलाना महिमान थियो शान नबीअ जा नारहणी राही आहे जान थियो हक जो अॼु ऐलान थियो मौलाना महिमान थियो शान नबीअ जा नारहणी राही आहे जान थियो हक जो अॼु ऐलान थियो जाननि खां आ प्यारो नबी ॻाल्हि इहा हर जा कबी हाणे न ईंदो ॿियो को नबी ख़ातम आहे नबी अरबे जाननि खां आ प्यारो नबी ॻाल्हि इहा हर जा कबी हाणे न ईंदो ॿियो को नबी ख़ातम आहे नबी अरबे अहिड़ो ई पैगाम खणी निकितो आहे नारहणी अहिड़ो ई पैगाम खणी निकितो आहे नारहणी जुरत हिन जो देज ॾिसी जग आई हैरान थियो हक जो अॼु ऐलान थियो हिन जिन राली सासतया हिन जिन राली कादतया रस्ता रोके थो तन जा दीन सजन जी अदावतया रस्ता रोके थो तन जा दीन सजन जी अदावतया काइद जुरत वारो आ काइद अज़मत
वारो कायद जुर्रत वारो कायद अज़मत वारो कायद गैरत वारन जो साई फज़ल रहमान थियो हक जो अज ऐलान थियो मौलाना मेहमान थियो शान नबी जाना रहनी राही आवे जान थियो हक जो अज ऐलान थियो तहिंजे कुले समलाए कुलो कायद सिंधु बे आनिक तो अल्लामा राशिद मिठो गैरतमंद जो पुत्र अरदो अल्लामा राशिद मिठो गैरतमंद जो पुत्र अरदो कादत जो जी थो सदवा पूरे जमात थी गडवा कादत जो जी थो सदवा पूरे जमात थी गडवा तंडो गुलाम अली जो रोशन आ मैदान थियो हक जो अज ऐलान थियो मौलाना मेहमान थियो हक जो अज ऐलान थियो मौलाना मेहमान थियो शान नबी जाना रहनी राही आवे जान थियो हक जो अज ऐलान थियो हारी ऐं पोरियत पाण बई हारी ऐं पोरियत पाण बई हिक थी विढ़ो बस हाण बई जानो विढ़ण जी जान बई सिर साम राजत जो सटे पाड़ू छजो तिहजू पटे रहजन में जैसी रत फुड़ो मारण मरण का ना मुड़ो साथी संभारींदा हलो उन्या पियारींदा हलो जडड़ा जियारींदा हलो झंडा खणो नारा हणो विढ़ंदा हलो रिढ़ंदा हलो विढ़ंदा हलो रिढ़ंदा हलो हाणे दावत खिताब ॾियूं था जमियत उलमा इस्लाम जिनान सूमरे जे इल्मी ऐं रूहानी मर्कज़ जे हिन रहनुमा हज़रत मौलाना साईं ग़ुलाम अहमद जिनान सूमरे वारनि खे पाण अचनि ऐं अव्हां सां मुख़ातिब थियनि हज़रत मौलाना साईं ग़ुलाम अहमद जिनान सूमरो अमीर ज़िला टंडो मोहम्मद ख़ान रसूल करीम अमाबाद मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम जमीयत उलमा इस्लाम जा सूबाई ऐं मर्कज़ी क़ाइदीन ऐं ज़ेरीन सिंध जे जमीयत उलमा इस्लाम जा अज़ीज़ कारकुनो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सब खां पहिरीं हीउ मुल्क इस्लाम जे नाले ते ठहियो हिन मुस्लिम हिन मुल्क जे बुनियादनि जे अंदरि उलमा जो खून आहे उलमा जूं क़ुर्बानीूं आहिनि तारीख़ गवाह आहे त बर सग़ीर जी आज़ादी जे लाइ 150 साल जेका जंग लड़ी वई उहा जंग उलमा लड़ी हुई उन्हनि पंहिंजे खूननि जो नज़रानो ॾिनो हो उन्हनि माल्टा जा क़ैद सजाया हुआ अंडमान जे क़ैद जे अंदरि उहो रहिया हुआ उहो सूलियुनि ते हुनखे लटकायो वियो हो सूअरनि जे खलनि में बंदि करे तोबनि सां हुनखे उॾायो वियो हो ही पाकिस्तान कंहिं अहिड़े गहिरे जी क़ुर्बानी न बल्कि उलमा जी क़ुर्बानी सां वजूद में आयो
ऐं इन जो वजूद हिंदाल ते हो त पाकिस्तान जो मतलब छा ला इलाह इल्लल्लाह। लेकिन इंतिहाई अफसोस जी ॻाल्हि आहे, इंतिहाई हैरत जी ॻाल्हि आहे त अॼु हिन मुल्क जे अंदरि मज़लूम उहो इस्लाम आहे जंहिं इस्लाम जे नाले ते ही मुल्क ठहियो आहे। हिन मुल्क जे अंदरि यतीम ऐं ग़रीब उहो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नामूस आहे जंहिं नामूस जे नाले ते ही मुल्क ठहियो आहे। अॼु हिन मुल्क जे अंदरि तव्हांजे इस्लामी तशख़ुस खे मिटाइण जी कोशिशि कई वञे पई। यहूद हुनूद नसारा सफ़बंदी करे असां मुसलमाननि जे वजूद खे ख़तमु करण जे लाइ मैदान में लही चुका आहिनि। नाम नहाद कलमे पढ़ण वारा, इस्लाम जी दावा करण वारा, उहे सभु हिकिड़े पासे लिकी विया आहिनि। जेकॾहिं हिन वक़्तु वरी बि इस्लाम जे इहिया जे लाइ, आका जे नामूस जे लाइ मैदान अमल जे अंदरि आहे त जमीयत उलमा इस्लाम उलमा जो काफ़िलो आहे ऐं असां हिन यहूदनि ऐं यहूदियुनि जे एजेंट खे ॿुधाइणु घुरूं था त जेसि ताईं जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदु आहे उनजो हिकिड़ो हिकिड़ो कारकुन मौजूदु आहे, कंहिं नालाइक़ खे इहा ताक़त न आहे जो पाकिस्तान जे इस्लामी तशख़ुस खे ख़तमु करे सघे। इन जे करे तव्हां ॾिसंदा त हिन हुकूमती अचण खां पोइ वॾा वॾा जेके सियासदान हुआ, वॾा शेर हुआ, जेके पंहिंजे पाण खे सभिनि ते भारी चवंदा हुआ, जेके चवंदा त शेर अची वियो शेर अची वियो, उहे सभु गिदड़नि वांगुरु लिकी विया। हिन वक़्तु जेकॾहिं पाकिस्तान जे तहफ़ुज़, हिन वक़्तु जेकॾहिं इस्लाम जे तहफ़ुज़, ख़त्मे नबूअत जे तहफ़ुज़ जे लाइ मैदान अमल जे अंदरि आहे त जमीयत उलमा इस्लाम असांजा क़ाइद हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान आहिनि। ऐं असां हिन हुकूमत खे ॿुधाइणु घुरूं था त हिन मुख़्तसिर सॾु ते जेके हे लाखनि जो इजमा गॾु थियो आहे, जेकॾहिं क़ाइदा असांखे हुकुम कयो त इंशा अल्लाह अज़ीज़ असीं सभु कुझु पंहिंजो छॾे करे क़ाइद जी आवाज़ लबैक चई करे 20 लखनि खां ज़्यादा मजमा असीं इस्लामाबाद में जमा करे असां हिन वक़्त जे हुकमरान खे ॿुधाईंदासीं त धरना हीअं लॻंदा आहिनि, इहे कोन लॻंदा आहिनि जी तव्हां लॻाया। छा तव्हां, ऐं तव्हां खां पुछां थो, जेकॾहिं क़ाइद तव्हांखे हुकुम कयो त इस्लामाबाद हलणो आहे, तव्हां तयारु आहियो? जेकॾहिं तव्हां तयारु आहियो, तव्हां जेकॾहिं असां सां वफ़ादार आहियो त इंशाअल्लाह अज़ीज़ ही पाकिस्तान कादियानियुनि जो कब्रस्तान हूंदो, ही पाकिस्तान गुस्ताखी रसूलनि जो कब्रस्तान हूंदो, ही पाकिस्तान सैकड़नि जो कब्रस्तान हूंदो, हिते जेकॾहिं नालो निशान हूंदो त फ़क़ति आका जी ख़त्मे नबूअत हूंदो। वाख़िर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं लाउड स्पीकर के हवाले से, आप जरा स्टेज पर आ जाएं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि किसी में अपने स्पीकर के निजाम को ठीक करें। पोते तई आवाज साफ अची रहे हो? आवाज आए या कोने? भला जैस तई आवाज अचे तो हथ खणो तुम्हारी सा, आवाज अचे तो ही जेका साम्हूं साथी हिन मां बार बार गुज़ारिश करियां पियो, तव्हां जे करे पोयां सॼो पिंडाल सॼो मजमू साम्हूं वारनि साथियुनि जे बीहण जे करे डिस्टर्ब थी रहियो आहे। जेका दोस्त कुर्सियुनि ते बीठल आहिनि महिरबानी करे हेठि वेही रहनि, कंहिं बि साथीअ ते खे कुर्सीअ ते बीहण जी इजाज़त कोन्हे। ही साम्हूं जेका बीठल साथी हिन पहिरीं वारी लाइन या वेही रहो या साइडनि ते हलिया वञो, ही साम्हूं बिल्कुलु साम्हूं जेका साथी बीठल आहिनि या वेही रहनि या साइडनि ते हलिया वञनि, अवां जे बीहण जे करे पोइ ते आख़िर ताईं सॼो मजमो डिस्टर्ब थी रहियो आहे। अल्लाह साईं तव्हांखे जज़ाए ख़ैर ॾे। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांजे हिन आमद खे पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए। यकीननि अॼु तव्हां ख़त्मे नुबूवत जे लाइ, नामूस रिसालत जे लाइ, अल्लाह जे धरतीअ ते अल्लाह जे निज़ाम जे लाइ जमीयत उलमा इस्लाम जे हुकम ते लबैक चई करे हिते हाज़िर थिया आहियो। मां तव्हांजो शुक्रियो बि अदा करियां थो।
दुआ गु भी हाँ अल्लाह तबारक व ताला तमां जी आमद के पांजे बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए अवा इंतजामिया सा रजाकारन सा तआवुन कयो ताकि बेहतर अंदाज में प्रोग्राम के अगते हलाए सकजे मां मजीद कार्रवाई अगते वधाइण जे लाए एक दफो बीहर माई मोहतरम सलीम सिंधी के हवाले करियो थो ताकि इन जलसे की कार्रवाई के अगते हलाए सकजे तिड़के जतता समुंड सुके नामुमकिन तिड़के जतता समुंड सुके नामुमकिन ककरन जे अग्या कोह डुके नामुमकिन तारीख करे चीख चयो तारीख करे चीख चयो ओ आमिर जाबिर जे अग्या जमीयत झुके नामुमकिन त दावत खिताब जूं था जमीयत उलमा इस्लाम जिले बदीन जे जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद महरी साहब के पान अचन अवा सा मुखातिब थन हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद महरी साहब اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سب سے پہلے میں مرکزی قائدین फ़ख्र जमीयत हज़रत मौलाना अब्दुलफूर हैदरी साहब मौलाना अमजद खान साहब फरवंद महमूद हज़रत मौलाना अताउरहमान साहब और सूबाई क़ियादत को हमारे डिस्ट्रिक्ट बदीन में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन खां पोया हूँ इन लाड़ खिते जे कुंड कुड़छमा कही आयल नौजवानन के पोरन पकन के सलाम तो पेश करिया जो तवा असा जे सड ते बगैर कें लालच जे बगैर कें खर्चे जे हेडो वडो इज्तिमा मुनाकिद करे बुधाई छजो आहे त असा सब इस्लाम सा इस्लाम जे आदलाना निज़ाम सा मोहब्बत रखूं था जनाबे आली अक्वामे मुत्तहिदा जे चार्टर में या गाल लिखल है त हर इंसान के पैंजे नजरिए अकीदे जे मुताबिक जिंदगी गुजारण जो हक आ को भी मानू केंते नजरिए के मुसल्लत नथो करे सके पो उओ तो मानु जी मर्जी की मालूम थिए उन्हीं जेला इंतखाबात थींदा हैं इलेक्शन मुनाकिद कई वींदी आहे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पार्लियामेंट ते यकीन रखंदे पुर अमन जिदोजहद करे थी तशद्दुद खां कोई दूर रही करे आईन कानून जे अंदर रही करे पंहिंजो पैगाम कौम ताईं पहुचाए थी जॾहिं इंतखाबात जो मौको अचे थो त आऊं सॼी दुनिया जे वांगुरु ज़िले बदीन जी बि रिपोर्ट थो पेश करियां त असांजे एजेंटनि खे यरगमाल बनाए करे हिकु अहिड़ी इलेक्शन जी पोलिंग हुई जिथे असांजो एजेंट चौक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो उनके अमलो जेको मिलियो वो अनपढ़ियल हो वडेरन जो भर्ती थियल हो उनके का शै न अचे हुन असांजे एजेंट के मिंत कई तो सही तव्हां रिकॉर्ड ठायो इन जे करे समझो ईअं पे वियो त हिते जमीयत जो को कारकुन कोन्हे जॾहिं वोट ॻणिया विया 200 वोट जमीयत उलमाए इस्लाम जा हुआ तॾहिं चयो वियो त इन्हनि वोटनि खे खारिज करे छॾियो त हुननि चयो त न हिते जमीयत जो एजेंट मौजूदु आहे अहिड़े नमूने सां पूरे मुल्क जे अंदरि असांजे मर्ज़ीअ खे असांजे इख़्तियार खे
चोराए करे हिते असां जे मथा जालिम मुसलत कया वे आइन इन जे करे जमीयत उलमाए इस्लाम तहफ़ुज़ ख़त्मे नबूवत पंहिंजे मर्ज़ीअ जे कानून खे लागू करण जे लाइ पंहिंजो जमहूरी हक़ इस्तेमाल कंदे पुरअमन नमूने सां पूरे पाकिस्तान जे अंदर हे प्रोग्राम करे रही आहे। पर जेकॾहिं असांजे हिन पुरअमन जिदोजहद खे अहमियत न ॾिनी वई त इनशाला जीअं मिस्र जे अंदर तहरीर स्क्वायर ते लखी मुसलमान गॾु थिया हुआ तंहिं इस्लाम आबाद जे घटी घटी खे असां मौलाना फज़ल रहमान जे हुकम ते इनशाला उन खे पंहिंजे वजूद सां भरे छॾींदासीं। इनशाला सभई यादि थींदा न। उन खां पोइ आऊं वक़्त जो फ़ाइदो वठंदे ज़िले बदीन जो हिकु अहम मसलो जेको ज़िंदगी ऐं मौत सां वास्तो रखे थो। आख़िरी जेका साहिली पटी आहे जिथे जर जो पाणी खारो आहे पंगरियो टंडो बागो शादी लार्च खोसकी निदो कढण बेटमी सीराणी ऐं गोलार्ची जे पूरे इलाइक़े जे अंदर छहनि महीननि खां वठी पाणी बंदि आहे ऐं उन पाणीअ खे रोकण जे लाइ जेको इरीगेशन सिस्टम आहे अलीपुर ते इमामबाद ते अकरमबाद ते मुरादबाद ते वॾा वॾा धिका लॻाए करे पाणीअ जो रुख मोड़े करे मीरपुर ख़ास जे तरफ़ जेका सखर कमांड एरिया आहे ओॾां मोकिलियो वियो आहे। ही इज्तिमा मुतालबो थो करे त ज़िले बदीन जे पाणीअ जे हथरादू खोट खे ख़तमु कयो वञे। तव्हां इन सां एतमाद कयो था ऐं जेके अमलदार उन में मुलवस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कानूनी कारवाई कई वञे। आख़िर दावा अन अलहम्दुलिल्लाह। क़ाइदे जमीयत ही जेके पूरे पाकिस्तान में मिलियन मार्च ॾह ॾह लख माण्हू गॾु थियनि पिया ऐं अनकरीब ऐलान थियण वारो आहे इस्लामाबाद जो। अॼु हिन कॉन्फ्रेंस में तव्हां खां पुछूं था त इस्लामाबाद हलबो हथ मथे खणी हलबो या कंहिंखां डिॼबो डिॼी करे रुकबो या झुकबो या वेहबो? जेकॾहिं न त पोइ तव्हांजी तर्जमानी कंदे ही शेर थो पढ़ां त डिॼो न हाणे साथियो डिॼो न हाणे साथियो कंहिं नवाब खां न मीर खां डिॼो न हाणे साथियो कंहिं नवाब जाम पीर खां डिॼो न हाणे साथियो कंहिं कान तोप तीर खां डिॼो न जेल बंद खां डिॼो न चहक चीर खां उथो अंशीअ थी उथो विड़ो अंशीअ थी विड़ो अचो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां वॼो पियो इनकलाब अचे वॾी कि धाम धूम सां वॾी कि धाम धूम सां हथ मथे खणी चओ इंशाला नारा हणी धाम धूम सां इस्लामाबाद ॾे वधबो। नारे तकबीर सफ़ा नारे जो जवाब नथा ॾियो। नारे तकबीर तव्हां सभई चओ मौलाना हे क़ाइद हमारा। अब ज़ोर सां अॼु क़ाइद पंहिंजो बदीन जी सरज़मीन ते महिमान थियो आहे इस्तक़बाल अहिड़ो कजे हे क़ाइद हमारा सरदार हमारा सरदार हमारा किरदार हमारा गुफ़्तार हमारा ललकार हमारा यलगार हमारा हे कायद हमारा हे कायद हमारा हे आया 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 हे छाया छाया हे कायद हमारा। दावत किताब ॾियूं था जमियत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे प्रेस तर्जमान हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद नायू साहब के पान अचन खिताब करण फरमाइन हजरत मौलाना ताज मोहम्मद नायू साहब। नारे तकबीर।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दीन अल्लाह इस्लाम सदक अल्लाह अजीम। सालार साहब उनसे गुजारिश है। अच्छा काबिल एहतराम अल्लामा अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना अतार रहमान साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब और कायदे सिंध अल्लामा राशिद मंसूबरो साहब और दीगर मेरे सूबाई रहनुमा और मुअज्जज उलमा इकराम। अज असां सब कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब के सद ते इते जमा थिया आहियूं ऐं इहो ॿुधाइण चाहियूं था उन्हनि ताक़तुनि खे जिन ताक़तुनि मौलाना फज़ल रहमान खे असेंबलीअ मां ॿाहिरि रखियो हुननि जी सोच इहा हुई त मौलाना जो आवाज़ हाणे बंदि थी वेंदो मौलाना असेंबलीअ खां ॿाहिरि हूंदो त मौलाना शायदि उहा मौलाना जी हैसियत न रहे। लेकिन उन मुक्तदर कुवतन के उन ताकतन के मां बुधान चाहिया तो तवां जी या पॉलिसी नाकाम वही मौलाना जो आवाज कौमी असेंबली का हटी करे बाहर रोडन ते डबल आवाज थी वो आए। मुझा दोस्तों इमरान खान जड़े का वजीर अजम थो है मां समझा तो पाकिस्तान जी बदकिस्मती की पेरी निशानी आ जो सब का पेरिया कूड़ो वजीर अजम जिस इक्तदार के अचान का पेरी सबन सियासतदार के गारू डिन्यू ए वा कूड़ गाल हया चई तो जे कदे मु आई एफ का चंदो वरतो तो मां इमरान खुदकशी कंदस। अज मां चवां तो इमरान खान जे कदे तू पाजे कॉल फेल में सचो ये तो तू खुदकशी कर हुकूमत हलान तुझे वस की गाल ना है तो चयो तो मां नओ पाकिस्तान दिस रोक लो तो रोक लो पाक ने तब्दीली आएगी हाने असा चौंता रोक लो तो रोक लो तुम ये ऐलान करो महंगाई आएगी रोक लो तो रोक लो चीनी महंगी होगी रोक लो तो रोक लो लाइट महंगी होगी रोक लो तो रोक लो गैस महंगा होगा रोक लो तो रोक लो हज महंगा होगा आपने यही किया और क्या किया है। तुझे अचण का पो तब्दीली निमायान या आई है जो गरीबन का तो मानी जो टुकड़ो छनी छो है हर शय तो डबल महंगी करे छी है हज तो डबल महंगो करे छो है तो पांजे दौरे इक्तदार में अगर का फैसिलिटी दिनी है तो कादियारियन के दिनी आ तू कादियानियन जो हुक्मरान थी आयो ही है तू मुसलमानन जो हुक्मरान थी कोन आयो ही है इन करे जो तो के तस्लीम कोन था करियो। याद रख इमरान खान जमीयत उलमा इस्लाम की ताकत आ जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक आ ये जलसा ना इन तहरीक जो आगाज आ ये तहरीक की इब्तदा है इंशाअल्लाह ताला ये दाढ़ी पटके वारा जड़े इस्लामाबाद में पहचंदा इंशाल्लाह तू बड़ी भी इस्लामाबाद में वही न सकते। इमरान खान तो जेके भी गालियों कयूं हिकड़ी गाल पाजी कौन पारी हाने बेहतर तो जला यू है तो तू पाजे इज्जत सा इस्तीफा दे वन ये न तो असा के इस्लामाबाद में अची करे उते बीहणो पवे तो के तंग मां झले तां कद सीएम हाउस मां कढूं वजीर आजम हाउस मां कढूं। इमरान खान तुंहिंजूं जेके मगरबी पॉलिसियूं तू मगरब जे एजेंट खे लॻी थो त
तू इसराइल जो एजेंट लगे तो, तू अमेरिका जो एजेंट लगे तो, तू मदीने जी रियासत जो तस्वर करे ऐ तू बेहया या बुराई के आम करिए तू तू कैड़ी मदीने जी रियासत ठाई आए तू कड़े लिहाज मदीने की गाल तो करी तुझे मोथा तो सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस वन घुर्जे तो तू मदीने की तोहिन तो करी तुझी शिकिल आए मदीने जो तस मदीने जो तस्वर तो पेश करिए मदीने की रियासत पेशो तुझी चेहरो आए नो इमरान खान ये गाल तुझू ये मुनाफकत वाली गाल हाँ न हलंद यो न हलंद हाँ तू मदीने की रियासत चाह पर पाकिस्तान की रियासत जी हली पे उनको तो बेड़ो गर्क कर छो इन जमियत उलमा इस्लाम ये तहरीक है जेका तहरीक निकली पई है इंशाल्लाह तो के खत्म करने ताई जारी रहंदी जिले बदीन जी हाल यो है तो पानी कोने इते असा जडे मिलने व्या दोस्तन सा जो साई पेरी जमींदार जके से पानी पानी कंदा हुआ हाँ हर शहर जो गोठ जो मानू चवे तो मुझे पानी दियो पानी दियो गैर पानी नींदो अवाम जे मसल हल करण में ताजी हुकूमत मुकम्मल नाकाम है असो मुतालबो है तो इस्तीफा दियो जैस तई अस इस्लामाबाद में अचूँ उनका पेरी इस्तीफा दे वंड इंशाल्लाह तला तो के छिके इस्लामाबाद में कढ़ंदासी अमालैना अल बलाग को कौम के कारण कैद कटे को कौम के कारण कैद कटे को कौम जी वेठो पाड़ पटे को कुर्सी कारण कौम ज सीने रोज हणे बंदूक भरे जो जो कौम जो कातिल आ सो जातल कौम सुनातल आ मुंशी मूरिया माफ न थींदो जेको कौम सा बातिल आ जेको कौम सा बातिल आ सभी चो इंशाल्लाह हिन कौम जो जेको बातिल है इस्लामाबाद में उन्हें जो तख्तो ऊंधो कंदासी सभी चो इंशाल्लाह दावत खिताब दियूं था जमियत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे डिप्टी सेक्रेटरी मोहतरम हाजी अब्दुल मालिक टालपुर साहब के पान चंद अवां सा मुखातिब थन نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم ناموس رسالت صلى الله عليه وسلم ملین مارچ میں ही नौजवान ही पोढ़ा ही नंढा ही वड़ा इन लाय गड थिया इन त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नामूस ऐं इज़्ज़त जे खातिर असां पंहिंजी जान कुर्बान करण जे लाइ तयार आहियूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बैद में ॿियो कोई नबी कोन्हे हिन वक़्तु कूड़े नबी जा दावेदार उन जी एजेंडा के खणी करे पाकिस्तान में आया इन हिन वक्त कादियानिन जो नवासो मुल्क जो वजीर आजम यहूदियन जो एजेंट मुल्क जी मईशत जी तबाही ऐं बर्बादी जो सबब बनजी करे चीज मुसलत थी वेठो आहे असां हिन वक्त उनके ॿुधाइण चाहियूं था तो तवां जेके इन मुल्क में हरबा इस्तेमाल करियो वो तवां जा तमाम हरबा इंशाल्लाह ताला जूते जी नोक ते ठुकराए करे उछलींदासीं तू अड़े माण्हू जो एजेंडा हिते खणी आयो आई जेको पाण खे नबी सॾाए थो गुलाम अहमद कादियानी जी सीरत का तभी वाकिफ हो चवंदा अड़ो हो जो गुड़ भी खीसे में रख दो हो तो पेशाब वाला भितर भी गड खीसे में रख दो
वो केदी मल गुड़ पे खाई दो तो केदी मल वो मुट्टवारा भितर गड़े पे खाई दो या उन जी सादगी दा बयान कंद एडो सादो वरी चवे तो ताऊ अल्लाह उस कदे चे तो मसीह मऊद उस कदे चवे तो महदी उस कदे चे तो अल्लाह मुसा हम बिस्तरी कई पो आऊ हामिल थेस पो वरी आऊ जायस आऊ पान नबी थी पियस अरे हेड़ो कदे को चुत्तू नबी डिठो था ही उन चुत्तू के चंगू मुसक चई करे असा मता मुसलत करना चाहे तो ही चाहे तो काजानी स्कूल में अची कर असाजे बार मजहबी तैलीम दियन असा दीन समझाइन याद रखो असाजे अकाबरीन इन मुल्क के अंदर इन काजानियन के काफर करा दई करे पूरी दुनिया के अंदर रुसवा है इंशाल्लाह इमरान इनका वधीक तो के जलीले रुसवा करे इन मुल्क का दर बदर कंदासीं ही काजन ने यहूदियन जो एजेंट असा ते मुसलत करण चाहे तो करतारपुर जो बॉर्डर खोले सिखन जे नाले ते काजनन के तो सहूलत दिनी तो असा के कश्मीर मुसलमान मरन ता घर सड़न ता नौजवान औरतू रोडन ते शहीद थियन पयूं जख्मी थियन पयूं तड़पी रही हुन उन के लिए तुझे वात बंद है करतारपुर या सिख तो याद है फलस्तीन जो मुसलमान मरे पियो उन्हीं के लिए तुझे वात में बल्लभ तो को यहूदी पंजे पियन लाए मरी तो पवी तो तू यहूदिन के लिए तड़पी दो तो जो तो यहूदिन सा इसराइल सा जो करो फलाने जा तलका तर फलाने जा तलका तर पाकिस्तान जा तलका तो जन खबर छो जो तुझा पुट यहूदन ही नहीं करे लिहाजा असा बुधायण चाहूं था इन हुकूमत के तो सुधरी वजो पजा करतूत सुधारियो जे न इंशाल्लाह ताला ता के ओ सुधारींदासी ओ सुधारींदासी जो दुनिया अवां मां इबरत वठंदी जेड़ी तरह तां जा अब्बा दादा सुधरिया तवां ॾिठो त अफगानिस्तान जे अंदर रूस टुकर टुकर थियो अवां ॾिठो त 48 मुल्क गॾिजी अची अफगानिस्तान ते हमलो कयूं निहत्ता अफगानी ठल हथनि वारा अॼु अमरीका ज़लील थी करे निकिरे पियो रस्तो पियो ॻोल्हे रस्तो नथो मिलेसि इनशाला अवां खे बि वापसी जे भॼण जो घस न छॾींदासीं जो तव्हां भॼी वञी ॿाहिरि सुख जो साह खणो वाखिर दावादा अलहमदुलिल्लाह रब अलामीन अचबो त जिगिर शेर जो धारे अचबो अचबो त जिगिर शेर जो धारे अचबो हर राकास ऐं देव खे मारे अचबो ओ मंज़िले मक़सूद ही वाइदो आहे ओ जमियत उलमा इस्लाम ही वाइदो आहे आयो जे अॻियां उभ तब फाड़े अचबो चो इनशाला दावत ख़िताब ॾियूं था जमियत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे नाज़िमे मालियात हज़रत मौलाना सऊद अफ़ज़ल साहब हालेजवी के पान चल अवाजे सामू मुखातिब चल हजरत मौलाना सऊद अफजल साहिब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مال مانگو تو مال دیں گے माल चाहो तो माल देंगे जान चाहो तो जान देंगे कभी न हमसे ये हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल दे दे। मेरे मोहतरम दोस्तों आपको मालूम है
कि हमारा वतन अजीज आज जिस नाजिक हालात से गुजर रहा है, इन नाजिक हालात की तरफ मदीना मुनव्वरा के फजाओं से लेकर इल्म और इरफान के रूहानी मरकज दारुल उलूम देवबंद की निगाहें हमारे वतन अजीज की तरफ मरकूज हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा ये वतन अजीज जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर आजाद करवाया गया था, जिस वतन अजीज का नजरिया इस्लाम था, जिस वतन अजीज का असल मकसद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निजाम का निफाज था, आज उसी मुल्क अजीज में, वतन अजीज में गैरों ने नजरें गाड़ कर हमारे वतन अजीज के नजरिए को तब्दील करने की साजिशें की हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जमीयत उलमा इस्लाम मैदान अमल में आ चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस वतन अजीज के इस्लामी नजरिए का दिफा करेगी। सब तैयार है मेरे मोहतरम दोस्तों? कौन कौन तैयार है? कायदे मिल्लत इस्लामी जा हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातु मुलारी जा इस वतन अजीज के इस्लामी नजरिए का दिफा करेंगे और हम उनके शायान शान होंगे। सब तैयार है मेरे मोहतरम दोस्तों? मेरे मोहतरम दोस्तों, एक तरफ तो आलम इस्लाम की नजरें हैं, दूसरी तरफ आलम कुफर की नजरें हैं। आलम कुफर चाहता है कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर आजाद हुआ, जिस मुल्क का मकसद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निजाम का निफाज है, उस मुल्क का इस्लामी तशख्स खत्म किया जाए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस मुल्क के इस्लामी तशख्स का दिफा करेंगे। सब तैयार हैं मेरे मोहतरम दोस्तों? कुछ कुव्वतों की ये कोशिश है कि हमारे वतन अजीज को यहूदियों की कॉलोनी बनाया जाए, इसराइल की कॉलोनी बनाया जाए, इस मुल्क के इस्लामी तशख्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस वतन अजीज का इस्लामी तशख्स भी बाकी रहेगा और इस वतन अजीज से यहूदी जो के एजेंटों को बाहर निकाल फेंक देंगे। सबका इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब आलमी कुफर इस मुल्क पर ऐसी नजर रख के बैठा है कि इस मुल्क का इस्लामी तशख्स बिगाड़ा जाए, इस मुल्क पे दाढ़ी और पगड़ी वाले पर पाबंदी आयद की जाए, इस मुल्क से इस्लामी मदारिस को खत्म किया जाए, मसाजिद को खत्म किया जाए, इस मुल्क से खानकाहों को खत्म किया जाए, तो मेरे कायद ने ऐलान किया है जब तक जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, इंशाअल्लाह इस मुल्क में दाढ़ी और पगड़ी वाला भी रहेगा, इस मुल्क में मदारिस भी रहेंगे, इस मुल्क में मसाजिद भी रहेंगी, इस मुल्क में इस्लामी खानकाहें भी रहेंगी। सबका इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम चाहती है कि इस वतन अजीज को हकीकी इस्लामी रियासत बनाया जाए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, उस मकसद को अमली जामा पहनाया जाए। इस मिशन के लिए, इस काज के लिए हमारे इन इलाकों के, हमारे ज़हरीन सिंध के कारकुनान अपने कायद के शायाना बाशान होंगे। सब तैयार हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त की तकाजा है, हालात की तकाजा है कि इस वतन अजीज से यहूदियों के एजेंटों को भगाया जाए, इस वतन अजीज से गैरों के एजेंटों को भगाया जाए, इस मुल्क को हकीकी इस्लामी रियासत बनाया जाए। इसलिए अब हमें निकलना है, निकल चलेंगे मैदान पर। कायदे मोहतरम का हुक्म आने वाला है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते चलो। कौन कौन तैयार है इस्लामाबाद चलने के लिए?
अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला मकबूल और मंजूर फरमाए। सबई इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में कायद जे हुकुम ते हलण त छा, पर गर्दन कटण जला बतया रहो इंशाल्लाह तपो ही तो चवा त अची मरण उथी मरण झुकी मरण का आ भलो, अची मरण उथी मरण झुकी मरण का आ भलो, अची मरण उथी मरण झुकी मरण का आ सुठो, भरी बाजार में मरण लिकी मरण का आ भलो, अची मरण ते इज्जतू लिकी मरण ते लानतू, बगावतू बगावतू घटी घटी बगावतू शहर शहर बगावतू। तहाने दावत खिताब जू था जमियत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे रहनुमा हजरत मौलाना साईं मोहम्मद रमजान फुलपोटो साहब के पान चल अवा सा मुखातिब थियल हजरत मौलाना मोहम्मद रमजान फुलपोटो साहब। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الحق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر میں چلا تو اکیلا ہی تھا جانب منزل مگر मैं चला तो अकेला ही था जान बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजल रहमान साहब जन जै मिलियन मार्च जो आगाज कराची का कयो हो, अज मुल्क जे वडन वडन सभी शहरन में जमियत उलमा इस्लाम जा ये काफिला ये मिलियन मार्च हली रहा है, जेके बातिल कुवतुन के पाकिस्तान जे बातिल कुवतुन के बेन अलकवामी बातिल कुवतुन के पैगाम आहिन त पाकिस्तान जो अवाम सिंध जो अवाम सुजाग थी चुको आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तहफ़ुज़ ख़त्म नुबुअत जे लाइ ख़त्म नुबुअत मिलियन मार्च मुसलमानन शिरकत करे अज जे हिन अज़ीम शान मिलियन मार्च में तव्हां साबित कयो आहे त जमियत उलमा इस्लाम बदीन जिले वारा भी असांजे मुल्क जे ॿियनि कारकुननि सां गॾु आहिनि, क़ाइदे मिलत इस्लाम जे हर हुकुम ते लबैक चवण जे लाइ तयारु आहिनि। असां इंशाअल्लाह ताला वचन कयूं था इहो आद कयूं था त पंहिंजे क़ाइदे मिलत इस्लामीअ जो जेको असांखे हुकुम थींदो असां सिरनि सां कफ़न ॿधी करे इस्लामाबाद पहुचंदासीं ऐं जॾहिं इस्लामाबाद में लखे मुस्लमान ख़त्म नुबूअत जा मुजाहिद गॾु थींदा त इनशाला ताला हिन इमरान ज़ालिम हुकुमरान खे हुकूमत जे ख़तम थियण ताईं उहे उते बरक़रार रहंदा ऐं इनशाला ताला जमियत उलमा इस्लाम जा इहे कारकुन साबित कंदा त असां पैगम्बर अरबी जा सचा ग़ुलाम आहियूं, नबी पाक सलाह सम्झे ख़त्म नुबूअत सां हथ चुराद करण वारनि उन्हनि सां बग़ावत करण वारनि कादियानी यहूदी एजेंट इमरान खान जे हुकूमत जे ख़िलाफ़ असां अल्लाह जे हुकुम सां मुनज़म आहियूं ऐं हर क़ुर्बानी ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। तव्हां खां असांजो क़ाइदे मिलत इस्लामी आहे इहो वचन वठंदो त तव्हां इस्लाम जे लाइ ग़लबे जे लाइ नबी साईं सलाह सम्झे ख़त्म नुबूअत जे लाइ क़ुर्बानी ॾींदव इनशाला ताला। जेकॾहिं तव्हां असां इहा क़ुर्बानी ॾिनीसीं क़यामत जे ॾींहुं नबी पाक सलाह वसलम जे शिफ़ात जा हक़दार बणबासीं। अॼु तव्हां हिते आया आहियो असां अलाह खे उमेद कयूं था त तव्हांजो हिते अचणु ॿुधणु वेहणु मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए, तव्हां जेका क़ुर्बानी ॾिनी आहे अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहुं उनखे नबी साईं सलाह वसलम जे शिफ़ात जो हक़दार बणाए। असां क़ाइदे मिलत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब जे हर हुकुम ते लबैक चवण जे लाइ तयारु आहियूं ऐं तव्हां बि समूरा तयारु आहियो। नबी साईं सलाह सम्झ इज़त जे लाइ हथ मथे खणी चयो इनशाला क़यामत जे ॾींहुं शिफ़ात जा हक़दार बणबासीं।
नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तहफ़ुज़ जे लाइ तव्हां आया आहियूं। अल्लाह साईं खां दुआ आहे मौलाना फज़ल रहमान साहब खे पंहिंजे मिलत जे तहरीक में कामयाब बणाए। मां जेको कुझु चयो उन जे मथां अल्लाह साईं असां तव्हां सभिनी खे अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाख़िर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। टाइम जी शिद्दत सां किल्लत खे शिद्दत सां महसूस कंदे असांजे पंजाब खां आयल मेहमान मोहतरम हुज़ैफ़ा शाकिर साहब ऐं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब खां माज़रत वठूं था ऐं तकरीर जे सिलसिले खे अॻिते आणींदे त माठ करे मरबो त अरमान वॾो थींदो, जे माठ करे मरबो त अरमान वॾो थींदो, जे गोड़ कबो उथबो त घुमसान वॾो थींदो। हिन मुंद खे मालूम आहे, पन पन खे पतो आहे, घर घाट घुटूं वधंदियूं ऐं तूफान वॾो थींदो। त हाणे दावत ख़िताब ॾियूं पिया दरगाह कादरिया आलिया सैयद अमरोट शरीफ जे हिन गादी नशीन हज़रत मौलाना साईं सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी साहब खे नायब अमीर जमियत उलमा इस्लाम सिंध जिन खे पाण चल ऐं ख़िताब करण फरमाइनि नारनि जी गूंज में नारे तकबीर ज़िंदा है जमीयत, ज़िंदा है जमीयत, अमरोटी की जमीयत, अमरोटी की जमीयत, हालेजवी की जमीयत, सुमरो की जमीयत, जिंदा है जमीयत। हजरत मौलाना साईं सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الامي الصادق الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بھولا بھی اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین امت زعماء ملت ऐं पिंडाल में ख़तम नबूवत जे परवाननि खे तशरीफ़ आवरीअ ते ख़िराज अक़ीदत पेश थो कयां पियो ऐं उन्हनि खे अस्सलामु अलैकुम चवां थो पियो। दोस्तो मां ई आयत पढ़ी आहे, इन जो मक़सदु अल्लाह तबारक व ताला इहो ॿुधायो आहे त तव्हां इन दीन इस्लाम जे मुतालिक़ ग़मगीन न थियो, न को तव्हां हिन जे मुतालिक तशवीश में अचो। अंतुमुल आलाउन तव्हां ई बुलंद हूंदव, इन कुंतुम मोमिनीन जेकॾहिं तव्हां ईमान जे तक़ाज़ाउनि खे पूरो रखियो। ऐं एॾी वॾी तसला जो मक़सदु इहो नाहे त असां दीन सां हथ चुरांद ते ख़ामोश थी वियूं, बल्कि ॿी आयत सगोरीअ में अल्लाह तबारक व ताला इहा ई ॻाल्हि फरमाई आहे, ऐं मुंहिंजा प्यारा पैगंबर हो अल्लज़ी अयदक बिनसरी, अल्लाह जी ज़ात उहा ज़ात आहे जंहिं तव्हांजी ताईद कई ही पंहिंजी नुसरत सां। उन जूं सूरतूं अल्लाह ताला ॿुधायूं आहिनि, वबिल मोमिनीन मोमिननि बि तव्हां सां
साथ दिनो उन साथ जे नतीजे जे अंदर दुनिया यो मंजर डिठो जेको काफिला हको सिदाकत जो अलमबरदार इमाम उल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मदीने तैयबा जे हिजरत खां अग में मक्के मुकरमा मां जेका हिजरत फरमाई उआ उन गार जे अंदर पोती ए उन गार खां बाद वो काफिला हको सदाकत टे डी उन जे अंदर गुजारे करे मदीना तैयबा जा राही थे आहिन त दोस्तो अजीजो जेके गार जा हालात इस्लाम जी तारीख बुधाए थी पई उहे सिर्फ हिते मुख्तसरन तज़किरे तौर ते अर्ज करे मां पंहिंजी गुज़ारिश ख़तम कंदुमि त जॾहिं उहे कुफर जा आलम बरदार इन हक़ ऐं सिदाकत जी शमा खे विसाइण जे लाइ पंहिंजे वॾे गुरु घंटाल इबलीस दयूस जे निशानदीअ ते ग़ार जे दरवाज़े ते पहुचनि था पिया त उन्हनि जो आवाज़ बि अंदर इहा ॿिन जमा ॿिन माण्हुनि ते मुश्तमल जमात ॿुधे थी पई ऐं उन्हनि जे ॿिए जे तशवीश खे प्यारे पैगम्बर सलाहु वसलम जन महसूस कंदे उनखे जेका तसला इनायत फरमाई फरमायो अल्लाह तबारक व ताला इज़ हुमा फिल ग़ार इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन अल्लाह माना मां मजमे खे अर्ज़ थो कयां पियो त पैगम्बर करीम सलाहु वसलम जन जी इहा जेका तसला सैदना अबू बकर सिद्दीक खे ही हिन मजमे मां वरी बि गूंजे ताकि दुनिया ॾिसे त इन अल्लाह ॾाढा चओ इन अल्लाह आवाज़ नथो अचे पियो इन अल्लाह माना जेको रब इन काफ़िले हक़ो सिदाकत खे ग़ार जे अंदर बि साथ ॾियण जो इहो अज़ीम शान तसल्ला जो जेको लफ़्ज़ मुबारक हो अल्लाह तबारक व ताला क़ुरान करीम जे अंदर दाख़िल करे लोहे महफ़ूज़ मां हिन उम्मत खे क़यामत ताईं तसल्ला जी हिकड़ी अज़ीम शान नवीद ॿुधाए छॾी आहे। त दोस्तो अज़ीज़ो इहो को नओ दस्तूर कोन्हे को जेको दस्तूर हिन महिल जे मुक़्तदरा कुवतुनि हिन मुल्क जे असासी नज़रियाती बुनियादुनि खे हिलाइण जे अंदर शुरू कयो आहे। मगर अल्लाह तबारक व ताला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जन खे बि इहा नवीद ॿुधाई ही त अल्लाह जी ज़ात उहा ज़ात आहे जंहिं तव्हांजी ताईद फरमाई आहे मुंड खां वठी करे ऐं क़यामत ताईं उन ताईद जूं मुख़्तलिफ़ सूरतूं अल्लाह ताला ॿुधायूं आहिनि वबिल मोमिनीन ऐं मोमिननि जे साथ सां बि तव्हांखे अल्लाह ताला मुअयद फरमायो आहे। ऐं इहा नवीद हिन मजमे जे अंदर उन गयूर मुसलमाननि खे बि अल्लाह जे तरफ़ खां इहा हिकड़ी मुबारकबाद हुजे जो उहे इन काफ़िले हक़ सिदाकत जे क़ाइद मिलत इस्लामिया हज़रत मौलाना साहब जे इन मुल्की हालात जे तशवीश जे अंदर जंहिं अंदाज़ में हिन क़ौम उन जे सॾु खे लबैक चयो आहे मां तव्हांखे बि सलाम थो पेश कयां पियो। इनशाह लज़ीज़ असां हिन मां ग़मगीन न आहियूं पर इहो ॿुधाइण था घुरूं पिया त हरी हे शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। इनशाल अजीज ही काफिला हक़ सिदाकत जा अलम बरदार इनशाल अजीज इन मुल्क जे मथों जेके असासी ऐं जाग्राफ़ी हुदूद जी तब्दीलीअ जे अंदर जेको मिलत कुफरी सोचे रही आहे इनशा अल्लाह अज़ीज़
ये कौम जान जी बाजी लगाए करे इन मुल्क जी जागराफी इन मुल्क जी नजरियाती सरहदन जी हिफाजत करण थी जाने पे। माशाल्लाह तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, इन्हें नारे के बाद मायो सिंह, तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग तो कफन भी उतार लोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। हाने एक भेरो वरी मजमे के गरमाइन जलाए दावत दूं था इन कराची जे नौजवान पाकिस्तान जे मशहूर नात खान हाफिज मुनीर अहमद के अचे ही तवा जे जज्बन के जागाए। हाफिज मुनीर अहमद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड वाले से दरख्वास्त करूंगा डीले खोले भाई, ये नजम पेश करनी है ताकि इनको भी सुनने में मजा आए। खत्म नबूवत के हवाले से हजरत गिलानी साहब के चने शार पेश करूंगा। मुझे बहुत साथियों ने इस कलाम का कहा है, लेकिन जिसके हाथ में हुजूर का परचम है वो हुजूर के परचम को फिजा में लहराकर, और जिसके हाथ में परचम नहीं वो अपने हाथ को परचम बनाकर फिजा में लहराकर। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, हाथों को फिजा में लहराकर। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, जो हो फिरौन में उनको खुदा कह दो ये मुश्किल है, जो हो दज्जाल उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं रहे सनों को रहे नुमा कह दूं ये मुश्किल है, मगर मैं रहे सनों को रहे नुमा कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर वाले भी अपनी गैरत का मुजाहरा करें, पता चले कि पदीन के नौजवान हैं, हाथों को फिजा में लहरा के। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। कुमा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, कुमा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी के रसिया हो, मैं ऐसों को शुयूखों सूफिया कह दूं ये मुश्किल है, मैं ऐसों को शुयूखों सूफिया कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। खुली आंखों से जो कुछ देखता हूँ साफ कहता हूँ, खुली आंखों से जो कुछ देखता हूँ साफ कहता हूँ, किसी के डर से जुल्मत को जिया कह दूं ये मुश्किल है, किसी के डर से जुल्मत को सिया कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत वो हरे झंडे वाले हमारे भाई सुन्नी नौजवानों, परचम को फिजा में लहराकर। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जो तूफान की खबर सुनकर लरस उठते हो साहिल पर, जो तूफान की खबर सुनकर लरस उठते हो साहिल पर, मैं ऐसे बुज दिलों को ना खुदा कह दूं ये मुश्किल है, मैं ऐसे बुज दिलों को ना
खुदा कह दूं ये मुश्किल है। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जो जो खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हैं हाथों को फिजा में लहरा कर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारे तकबीर, ताजो तख्तो खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, अजमते मुस्तफा, हुरमते मुस्तफा। और आखिरी शेर हजरत गिलानी फरमाते हैं, लेकिन इस शेर में आपकी मोहब्बत, आपका जज्बा, वलवला देखना चाहता हूँ। शायर क्या लिखता है, अमी जब मेरी नजरों में बुखारी सा कलंदर हो, अमी जब मेरी नजरों में बुखारी सा कलंदर हो, किसी अय्याश को मैं पारसा कह दूं ये मुश्किल है, किसी अय्याश को मैं पारसा कह दूं ये मुश्किल है। खत्मे नबूवत यहां से लेकर आखिर तक जो जो बैठा है खड़ा होकर, जिसका हाथ नीचे है हाथों को फिजा में लहरा कर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। जरूरी गुजारिश, जमियत उलमा इस्लाम के परचम का सवा ऐं मुत्तहिदा मजलिसे अमल के परचम का सवा, बाकी जड़े के बाकी जेकरे के भी दोस्त बे के पार्टी जो परचम आंदो आहे तो वो बराए मेहरबानी उनके इज्जत सा वेड़े करे रखी छड़े। परचम सिर्फ मुत्तहिदा मजलिसे अमल ऐं जमियत उलमा इस्लाम जा झंडा लहराइण खपन, बाकी सभिनी जी इज्जत आहे, असां जे लाइ मोतबर आहिनि ऐं उहे महिरबानी करे पंहिंजे झंडनि खे हेठि करे छॾनि ऐं उन्हनि खे असां अचण ते भलीकार ऐं ख़ुश आमदीद चऊं था। त हाणे दावत ख़िताब ॾियूं था हिकु ॿी शख़्सियत जेका कंहिं बि तारुफ़ जी मोहताज न आहे, दरगाहूं नई खानकाहूं हिन पाकिस्तान सिंध धरती जे अंदर अकीदे जी इस्लाह खां वठी करे जमियत उलमा इस्लाम में वॾो किरदार अदा कयो आहे। त दावत ख़िताब ॾियूं था जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जे नायब अमीर दरगाह हाले जी जे रूहे रवां हज़रत साईं अब्दुल कयूम हाले जी शरीफ वारनि खे पाण स्टेज ते अचनि ऐं अवां सां मुखातिब थियनि। हज़रत मौलाना साईं अब्दुल कयूम हाले जी साहब, नारे तकबीर, जमियत उलमा इस्लाम, जमियत उलमा इस्लाम, साईं हज़रत मौलाना अब्दुल कयूम हाले जी शरीफ वारा। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا مجا دوستو بھائرو اج جو ہی پروگرام जमियत उलमाए इस्लाम जे मरकज़ी फ़ैसिले जे मुताबिक़ तहफ़ुज़ नामूस रिसालत जे उनवान सां सभ खां पहिरियों कराची में, उन खां पोइ लाहौर में, बाद में वरी सखर में, ऐं उन खां पोइ मुज़फ़रगढ़
एदरा इस्माइल खान मुख्तलिफ जायन ते इंशाल्लाह 28 तारीख ते बलोचिस्तान में थी रहो आहे नसीराबाद जे इलाके में उन्हीं का बाद में वरी पंजाब जे अंदर थींदो ही जमियत उलमा इस्लाम जो काफिलो रुकजण वारो कोन्हे बीहण वारो कोन्हे इंशाल्लाह अज़ीम असांजी या मुस्तकिल जका असांजी तहरीक हले थी इंशाल्लाह कह मंजिल ते पहुंचंदी या इंशाल्लाह या रंग लाईंदी। मावा सबनी दोस्तन के गुजारिश कया तो जमियत उलमा इस्लाम सा तवां इन तहरीक में शाना बशाना हलण जे लाइ तैयार आयो। जेके दोस्त तैयार आन सब हथ मथे करे चवन तो इंशाल्लाह आखिरी घड़ी ताई जमियत उलमा इस्लाम जे इन तहरीक में असा शाना बशाना हजूर जे नामूस जे लाइ एलाए कलमतुल्ला जे लाइ अल्लाह जे निज़ाम के नाफिज़ करण जे लाइ जमियत उलमा इस्लाम जो अलम जिहाद बुलंद कयो आहे उन में असा मरण घड़ी ताई इंशाल्लाह साथ डींदासे। अज़ीज़ो तवां असा दुनिया में न रहंदासूं, रिजाल दुनिया में न रहंदा आहिनि, किरदार दुनिया में रहंदो आहे, तहरीक दुनिया में रहंदी आहे, नज़रियो दुनिया में रहंदो आहे। ही असांजो नज़रियो आहे, ही असांजी तहरीक आहे, ही असांजो फिक्र आहे, ही असांजो आवाज़ आहे त हिन धरतीअ ते रसूल जा गुलाम ही राज कंदा। हे पाकिस्तान कलमे जे बुनियाद ते आज़ाद थियो, इंशाल्लाह हिन पाकिस्तान में कलमे जे निज़ाम जे लाइ असां आख़िरी हद ताईं जंग लड़ंदासूं। सब चओ इंशाल्लाह जंग लड़ंदासूं, सब चओ मां आवाज़ ॿुधण चाहियां थो जंग लड़ंदासूं। जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जैसी रात अंधारी रहंदी। मुझा मोहतरम दोस्तों, बातिल कुवतुन सोचो हो तो असा इन रस्ते का हटाईदे इन शहीद कदे इन इतना हटाईदू तो हि तहरीक रुक वी शहीद के खून के कतरे कतरे से खुदा मुजाहिद पैदा कंदो रहंदो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चो तो इंशाल्लाह असा इन आखिरी घड़ी ताई ये शहीद के मिशन से इंशाल्लाह वचन कयूं था तो आखिरी दम ताई इंशाल्लाह पंजे जान जो नजरानो देणो पियो तो नजरानो डींदासूं। असा हुकूमत का मुतालबो कयूं था तो मेहरबानी करे जमियत उलमा इस्लाम इन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते दरख्वास्त डनी नजर सानी जी उन्हें वह नजर सानी जी दरख्वास्त भी वह कढ़ी छी है। असा मुतालबो क्यों था तो अड़े किस्म जो फैसला न कर अवाम के ईमानी जज्बन से न खेदो, लिहाजा पांजे फैसलन ते नजर सानी कर बसद एतराम असा सभी के एतराम के नजर से दिसूं था। कोर्टुन की असा वट इज्जत है पर अड़े किस्म जो फैसला कया वा तो यह कौम मनण के लिए तैयार ना है। बे नंबर में असो मुतालबो है इलाके के मानून के इंतहाई पानी की सख्त तकलीफ है। चैन दिन का वठी करे मां भी इन साहेली पट्टी में दौरो कयो, हर जाए ते असा के दोस्त कैंपुन में वेठल नजर आया, असा भी उन्हें वेही करे इजहार यकजहती कयो से फौरी तौर ते हुकूमत सिंध इन इलाके ते तवज्जो दे इन मानुन के मिठो पानी मुहैया करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हियर नमाज़ असर जो वक्फो करे रहा हूं, दहन मिंटन के लिए मां अजान के लिए दुबई का आयल पांजे मेहमान मोहतरम बिरादर अजीज अब्दुल्ला साहब की खिदमत में गुजारिश कंदुस तो वो माइक ते अचन अजान असर चवन। दहन मिंटन के लिए नमाज़ असर जो वक्फो है, इंशाअल्लाह नमाज़ असर का मुत्तसिल बाद कायद जमीयत इमाम उल इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेज ते जलवा अफरोज थींदा। हींअर दहन मिंटन के लिए इन मुझे खबे पासे खां मस्जिद आर्जी तौर से कायम कई वही है जाय नमाज के तौर से साथियों के गुजारिश है
तजाई नमाज के तरफ वन नमाज असर अदा कन नमाज असर का वरी एक दफो बीहर पिंडाल में अचन सिर्फ दहन मिनटन के लिए जै कें साथी के पिंडाल में जगह मिले थी तो पिंडाल में नमाज असर अदा कन स्टेज से इंशाला अलग जमात थी। मैं दावत दिया तो बिरादर मुकर्रम अब्दुल्ला साहब के माइक ते अचन अजान असर चल الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة साथी नमाज से जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं। 10 मिनट का वक्फा है इंशाअल्लाह 5:30 बजे इंशाअल्लाहुल अजीज दूसरी निशिस्त का आगाज होगा। साथी जल्द अज जल्द नमाज से फारिग हो जाएं, स्टेज पर भी सफ़े दुरुस्त करें, स्टेज पर भी बाजमात नमाज अदा हो।
ڈاکو صاحب لاکھو صاحب ہکڑو منٹ مہربانی کرے اگے اچو جیکا ساتھی نماز کا فارغ تھی ویا ہن بابا اے کڑو طریقو ہے یار او سوٹر تو سایا جاتے جگہ ملے تھی اتے ہی رہن جی کوشش کیو اگتے اچن جی کوشش نہ کیو بالکل اگتے جگہ ہی نہ ہے مہربانی کیو اے جیکا ساتھی نماز کا فارغ تھی ویا ہن پنڈال جے اندر اچن جے کا باہر روڈ تے بیٹھل ساتھی ہن ان کے بھی درخواست ہے تو جلد از جلد پنڈال میں اندر اچ ابھی دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں ہم قاری عبد الصمد صاحب کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق الله العظيم. ये जो कारकुन हजरात आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जगह नहीं है, जहां आपको जगह मिल रही है वहां रहें, आगे आने की कोशिश न करें। और ये सामने जो साथी खड़े हैं बैठ जाएं, ये जो कुर्सियों पर खड़े हैं बैठ जाएं, सामने जो साथी खड़े हैं अपनी अपनी जगहों पर बैठें, जो कुर्सियों पर खड़े हैं जरा नीचे तशरीफ रखें जी, ये जगह कुर्सिन ते बैठे रहने हेठ लाओ कुर्सिन ता इन्हन के बाह का वठी हेठ लाओ, ये जगह सामो कुर्सिन ते बैठल इन दोस्त इन्हन के विहारियो हेठ हिम्मत कहो के भी दोस्त के कुर्सी ते बिहण की इजाजत ना है। मेहरबानी करे जाते जगह मिले थी उते बिही रहो, तवाजे सहूलत जला स्क्रीनू लगाई वयू हिन, इंशाअल्लाह रोड ताई मुकम्मल स्टेज अवां के नजर इंदी। इन पासे का स्टेज के सजे पासे का जेका स्क्रीन आहे, इन स्क्रीन के थोड़ो मथे खयो वने। फैसल भाई से दरखास्त करता हूं, ये इस तरफ जो स्टेज के दाई तरफ के स्क्रीन है इसको ऊपर उठाया जाए। मैं अब दावत खिताब दे रहा हूं। बलोचिस्तान से आए हुए मेरे मेहमान मुकर्रम जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलोचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल बलोचिस्तान असेंबली में कायद हिज्ब इख्तलाफ बिरादर मुकर्रम जनाब मलक सिकंदर खान एडवोकेट साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मलक सिकंदर खान एडवोकेट साहब अवाज इल्म में हुए तो टिन्हीं का पो इंशाला 28 तारीख ते जेकब आबाद के वेझो सूबे बलोचिस्तान में जाफर आबाद में नामोसर रिसालत मिलियन मार्च मुनद थी रही है। मलक सिकंदर साहब अवा के दावत देने जलाहिते तशरीफ फरमाया हिन, असा मलक साहब के यकीन दिहानी करायो था त इंशाल्लाह जी हिते जमा थी हो सिंध में लखन जो काफिलो जाफराबाद पहुंची करे नामोसर रिसालत मिलियन मार्च में शिरकत कदो इंशाअल्लाह अजीज। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نكير ولا قتمير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم اس عظيم الشان مليون مارچ کے قابل قدر صدر صاحب जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मरकजी नायब अमीर हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब, हजरत मौलाना अमजद खान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रूह रवान और आज के इस मिलियन मार्च के रूह रवान अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब, आपके सूबाई टीम अजला के जिम्मेदारान और मेरे अजीज साथियों, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं अल्लामा राशिद महमूद सुमरो उनकी टीम को, सिंध के गयूर आवाम को जिन्होंने आज तहसील गुलाम अली में एक फकीदुल मिसाल
इज्तिमा मुनाकिद करके जमीयत उलमा इस्लाम को वाच करने वालों को हैरत में डाल दिया। और मैं ये भी कहता हूं कि आपकी बसीरत को भी सलाम है, आपने निस्बतन दूर उफ्तादा इलाके में ये इज्तिमा मुनक़िद करके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को, जमीयत उलमा इस्लाम के दुश्मनों को, दीन इस्लाम के दुश्मनों को आपने वर्ते हैरत में डाल दिया कि अगर निस्बतन कराबाद इलाके में इस किस्म के इज्तिमात होते हैं तो जब आबाद इलाकों में जमीयत आवाज लगाएगी तो उसका फिर क्या सूरत हाल होगा। यकीनन सिंध के साथी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आपने आगाज किया कराची से ललकारा तो मगरिब को भी, और जहां जहां दुनिया में इस्लाम के दुश्मन हैं आपने उनको ललकारा। आपने सक्कर में अजीमुशान मिलियन मार्च करके सारी दुनिया को आपने हैरत में डाल दिया। और आज इस तहसील में आपने, बदीन की इस तहसील में आपने इतना बड़ा इज्तिमा किया। यकीनन सिंध के साथी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हजरात एक गुजारिश आपसे करूंगा कि ये जो इज्तिमात कायदे जमीयत कायदे मिल्लत इस्लामिया कायदे उम्मत की आवाज पे ये इज्तिमात हो रहे हैं, ये इंतहाई अहमियत का हामिल नुक्ता है, इसका बहुत बड़ा अहम पस मंजर है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिस नजरिए के तहत महाराज वजूद में आया है आज उसकी नफी हो रही है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे दो कौमी नजरिए के तहत ये वजूद में आया है, लेकिन आज दो कौमी नजरिए का भी इनकार किया जा रहा है। और आज इस्लाम के नाम पे इस मुल्क के आजाद होने का भी नफी किया जा रहा है, जबकि ये ऐसी झूठ है, ऐसा फ्रॉड है जो इस्लाम दुश्मनों ने पाकिस्तान में शुरू कर रखा है। जमीयत उलमा इस्लाम इसके सामने सीना सपर है कि पाकिस्तान में 98% मुसलमान बसते हैं, और एक दफा जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का निजाम क्या होना चाहिए, कौन सा निजाम होना चाहिए, तो बयक आवाज 99% लोगों ने अल्लाह के दीन के बारे में अपनी राय दी। अब ये लोग इन इतने बड़े वाशिगार हकीकत को दो उंगलियों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जब तक इस मुल्क में दीन का गलबा नहीं रहेगा उस वक्त तक ये एहतजाज, ये आवाज जारी रहेगी। दूसरी जो अहम बात है, आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने, मगरिब ने पाकिस्तान में इस्लाम को रोकने के लिए कादियानियत के फितने को यहाँ उजागर किया। और आप ये भी जानते हैं कि 1953 में 10,000 मुसलमान नामूस रसालत के लिए शहीद हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद, आप सबके कायद, पाकिस्तान के मुसलमानों के कायद हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में, उनकी क़ियादत में 1974 में असेंबली में कादियानी अकलियत करार दे दिए गए। ये जमीयत का इतना बड़ा एहसान है पाकिस्तान के मुसलमानों पे, उनको एक जुल्म से नजात दिलाई। लेकिन अब फिर एक उसी साजिश को दोबारा पार्लियामेंट में भी और
हुकूमती इदारों में भी इसको लाने की कोशिश की जा रही है। नामूस रसालत के लिए कोई भी मुसलमान अपनी जान देने को शहादत समझता है। जमीयत उलमा इस्लाम इस पूरे दुनिया पे भी, पाकिस्तान के मुसलमानों पे भी ये वाजे करना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ पैगंबर की नामूस पे और इस्लामी अख्तार पे हमलावरों के लिए जमीयत का हर कारकुन अपनी जान देने को शहादत समझेगा। ये तहरीक जारी रहेगी जब तक मुकम्मल तहफुज नहीं मिलेगा। आज के इस जलसे के बाद 28 तारीख को कायद के हुक्म पे बलूचिस्तान में मिलियन मार्च हो रहा है। मैं मशकूर हूँ अपने भाई अल्लामा राशिद महमूद सुमरों का, उन्होंने मुझसे कबल आपको दावत दी और मुझे यकीन भी दिलाया। मैं सिंध के भाइयों का तह दिल से मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इस मोहब्बत के लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। और इंशाल्लाह उल अजीज 28 तारीख का ये मिलियन मार्च डेरा अल्लाह यार में बलूचिस्तान का फकीदुल मिसाल मिलियन मार्च होगा। हमें अल्लाह का भी ये फरमान है कि तुम मत डरो, तुम खौफजदा मत हो जाओ, तुम परेशान मत हो जाओ, गलबा तुम्हारा है। हमारा ईमान है कि गलबा जमीयत का होगा। साजिशों से हमें पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन कब तक ये सारी साजिशें, किसी न किसी टाइम अगर हम अपने जिंदा होने का वजूद दें, अगर हम ये साबित करें कि हमारा नस्बुलैन, हम इसको हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने ठहर नहीं सकती। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाहर जो रोड पर साथी खड़े हैं या मस्जिद जो आर्जी तौर पर बनाई गई है, जाए नमाज वहां साथी खड़े हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि फौरी तौर पर पिंडाल में अंदर तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हजरत कायद मोहतरम स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। मलक सिकंदर साहब की तकरीर के दौरान मेरे भाई मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान के बानी अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब रहिमहुल्ला के फर्जंद अर्जुमंद शाह अवेश नूरानी साहब रहिमहुल्ला स्टेज पर, शाह मोहम्मद अवेश नूरानी साहब दामत बरकातुल आलिया स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। उनका यहाँ आना इसी तरह है जिस तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल के इज्तमात में उनके वालिद मुकर्रम रहिमहुल्ला तशरीफ लाया करते थे, वहदत का पैगाम देते थे और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से अग़यार को एक पैगाम देते थे कि उम्मत मुस्लिमा इस्लाम की चौकीदारी के लिए मुत्तहिद और मुत्तफिक है। मैं अपने भाई शाह मोहम्मद अवेश साहब को स्टेज आमद पर दिल के गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और एक मुख्तसर नज़म के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम और जमात इस्लामी का वफद, जमात इस्लामी सुबह सिंध के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद हुसैन महंती साहब के क्यादत में तशरीफ लाया है, मैं उनको भी स्टेज आमद पर खुशामदेद कहता हूं। मैं मुख्तसर नजम के लिए दावत दे रहा हूं अपने आए हुए मेहमान जनाब अब्दुल्ला साहब को कि वो माइक पर आए और एक मुख्तसर नजम पेश करें। जेका साथी रोड ते बीठल हैं उनके दरख्वास्त क्यों थो, जेका साथी जाए नमाज से हैं या कैंटीन जो तरफ हैं, फौरी तौर ते पिंडाल में अंदर अचो। इंशाल्लाह थोड़ी देर में कायदे मोहतरम स्टेज ते जलवा अफरोज थी। परचम फिजा में लहराएं शायर इस्लाम सैयद सलमान गिलानी की एक नज़म। परचम जमीयत लहराने आए हैं,
परचमे जमईयत लहराने आए हैं, आले यहूद से तुम्हें बचाने आए हैं, आले यहूद से तुम्हें बचाने आए हैं, और सिंध में शमे वतन पे कुर्बान होने को, सिंध में शमे वतन पे कुर्बान होने को, कहां से उड़ उड़ के परवाने आए हैं, कहां से उड़ उड़ के ये परवाने आए हैं। आज बदीन में एमएमए की रैली में, आज बदीन में एमएमए की रैली में मिलियन मार्च की धूम मचाने आए हैं, मिलियन मार्च की धूम मचाने आए हैं। पाकिस्तान बनाते वक्त, पाकिस्तान का मतलब क्या, जिसने ललकारा हर दौर में बातिल को, उस मुफ्ती की शान दिखाने आए हैं। शेखुल हिंद ने जिसको था आबाद किया, शेखुल हिंद ने जिसको था